हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो मैंने आज आईलाइनर लगाया हुआ है, आई थॉट आई वुड शेयर इट विद यू गाइस, क्योंकि ये आईलाइनर जो है बहुत अच्छा है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। और मुझे जो आईलाइनर बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो, कलरफुल जो होते हैं, यू नो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई यूज टू यूज ब्लैक आईलाइनर, बट जब से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग यू नो डिफरेंट डिफरेंट शेड के आईलाइनर, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम जो केवल ब्लैक आईलाइनर यूज करते हैं एंड यू नो ब्राउन शेड यूज करते हैं इन लिपस्टिक, तो आप भी मेरी तरह ही हो, जो आई यूज टू बी लाइक दैट अर्लियर, बट नाउ आई एक्सपेरिमेंट विथ कलर्स डिफरेंट डिफरेंट शेड्स और बहुत अच्छा लगता है। एंड आईलाइनर जो हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, और हमेशा ब्लैक यू नो कभी कभी ज़्यादा लगने लगता है, तो मैंने बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे कलरफुल शेड्स ले रखे हैं। उसमें जो एक ब्रांड है जिसके जो आईलाइनर हैं वो मेटेलिक हैं, तो वो जो ब्रांड है वो है स्विस ब्यूटी, और मेरे पास इसके दो आईलाइनर हैं। ये दीज बोथ आर मेटेलिक आईलाइनर्स, सो वन इज लाइक सिल्वर एंड दिस वन इज ब्राउन शेड। सो इफ यू गाइज कैन सी, दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये जो है इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेट मी जस्ट चेक इट फॉर यू गाइज। अभी तो पिंक फ्राइडे सेल चल रहा है नाइक का, तो जो प्राइस है वो बहुत बहुत अच्छा प्राइस है। आई डोंट नो मैंने कितने में लिए थे। सो दीज आर ग्लिटर आई लाइनर, दिस इज वॉट दे आर कॉल्ड, ग्लिटर आई लाइनर। सो दिस इज वन शेड दैट आई हैव एंड दिस इज द ब्राउन शेड दैट आई हैव बोथ ऑफ देम। अभी इट्स नॉट अवेलेबल, सो प्राइस यू गाइज कैन सी, 249 इज द MRP, आई डोंट नो वेयर इट इज, 249 इज द MRP, बट इट्स अवेलेबल इन 187 इफ यू गाइज कैन सी इट। सो इट्स 25% ऑफ, वैसे ही प्राइस बहुत अच्छा है 249 का, बट 187 में मिल रहा है राइट नाउ। बट राइट नाउ द ओनली शेड इज, टू शेड्स आर अवेलेबल राइट नाउ, वन इज द वन दैट आई हैव द सिल्वर काइंड ऑफ शेड एंड देन द अदर वन इज ब्लैक, बट वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज इट हैज़ द शिमर। सो दिस इज द शेड विच इज अवेलेबल, दीज टू शेड्स आर अवेलेबल एंड टू आर नॉट अवेलेबल। जो इनकी स्टेइंग पावर है वो बहुत अच्छी है एंड दिस इज हाउ पैकेजिंग है, बहुत स्लीक अच्छी सी पैकेजिंग है, और जो इनको लगाने का एप्लीकेटर है वो भी बहुत सही है, इससे बहुत सही यू नो लगाने में बहुत सही रहता है, कभी भी आपका हाथ जो है हिलता नहीं है, द वे एप्लीकेटर इज बहुत सही है। उससे मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से आईलाइनर लग जाता है एंड ड्राई क्विकली हो जाता है बहुत, दैट्स ऑल वी वॉन्ट कि देखे एज सुन एज यू पुट इट ऑन वो ड्राई होने लगता है। तो इट्स नॉट कि अगर लगा हुआ है, जैसे आई हैव लैक्मे का ब्लैक आई लाइनर, तो उसको काफ़ी देर लाइक यू हैव टू कीप योर आईज क्लोज, अदरवाइज वो ऊपर लग जाता है, बट इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। एज सुन एज आप लगाते हैं वो ड्राई होने लगता है, एंड आज तक कभी भी वो ऐसा नहीं हुआ कि जो यहाँ पे जो लग जाता है आई लाइनर वो कभी भी ये नहीं आया है। तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है, क्विक ड्राइंग है एंड उसके बाद जो इसकी स्टेइंग पावर है वो बहुत अच्छी है। अभी मैंने जो आईलाइनर लगाया है वो मैंने लगाया था अराउंड 9 o'clock, एग्जैक्टली एट 9 o'clock मैंने लगाया था, राइट नाउ इट्स 1:30 और अभी तक यू गाइस कैन सी बिल्कुल जैसे लगा हुआ था वैसे ही अभी तक है। एंड देखिए ऑयल भी आ रहा है, फिर भी आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं हटता है, और व्हेन यू रिमूव दिस तब भी ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब करके हटे, बहुत अच्छे से ये निकल भी जाता है। तो मुझे लगता है ये आईलाइनर जो है बहुत अच्छा है, बहुत कम यू पेइंग फॉर इट, पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है एंड जो इसका इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन सिल्वर वाला बहुत अच्छा है, वॉट यू कैन डू यू नो सिल्वर वाला, समटाइम्स आई यूज लाइक फर्स्ट आई यूज ब्लैक आई लाइनर ऑन टॉप ऑफ दैट आई यूज द सिल्वर वन, तो उससे इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। यू कैन डू सेम विद द ब्राउन वन ऑल्सो, सो इससे बहुत सटल लुक आता है। एंड वॉट आई डू, आई यूज दिस मेटेलिक आई लाइनर हियर एंड देन आई यूज काजल हियर, तो उससे आईज का एक यू नो एक शेप बहुत अच्छे से दिखाई देता है।
बट विच एवर वे यू वॉन्ट टू यूज, यू कैन यूज दैट, उसको अच्छे से आप और मोटा आई लाइनर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. बट जो इसकी क्विक ड्राइंग की जो एक चीज़ है इसमें वो बहुत अच्छी है, एंड देन स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है. इवन इफ इसको लगा के, बिकॉज आई स्लेप्ट ऑल्सो फॉर लाइक हाफ एन आवर, फिर भी आई लाइनर अभी वैसे ही इंटैक्ट है. इनफैक्ट आई वोक अप एंड आई सॉ कि ये लगा है, सही है कि नहीं है, बट सेम एज जब मैंने अप्लाई किया था. और जब भी आई, बिकॉज आई मेक वीडियोज एंड आई डू अदर वर्क ऑल्सो विद द मेकअप ऑन, सो मॉर्निंग में व्हेन आई पुट इट ऑन इन द मॉर्निंग 9 o'clock अंटिल व्हेन आई क्लीन इट, लाइक समटाइम्स आई टेक इट ऑफ एट लाइक 2 o'clock और 3 o'clock, समटाइम्स टिल 4 o'clock इट्स देयर, बट कभी भी जो आईलाइनर है वो हटता नहीं है. सो दैट इज वाई बोथ द थिंग्स, द शेड्स आर रियली नाइस, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, एंड देन स्टेइंग पावर एंड एवरीथिंग इज नाइस. तो ये एक बहुत अच्छे आईलाइनर है जो बहुत इनएक्सपेंसिव है. एक्चुअली स्विस ब्यूटी के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत इनएक्सपेंसिव हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट्स की. सो आई रियली लाइक इट, और ये अभी मेरे पास है ऑलमोस्ट फॉर आई थिंक गुड 6 months, 6 months में है, बिकॉज आई गॉट दम इन जून एंड अभी तक मेरे पास ये हैं, और आई थिंक आई गॉट दम इन मे, और तब से आई एम रेगुलरली यूजिंग. आई डू हैव अ लॉट ऑफ अदर आई लाइनर्स ऑल्सो, बट आई एम रेगुलरली यूजिंग दीज बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई वॉन्ट टू परचेज ऑल द कलर्स, लाइक 4 colors आर अवेलेबल, सो 2 more आई हैव टू बाई, एंड आई विल श्योरली बाई बिकॉज इतने इनएक्सपेंसिव है. सो ये जो आई लाइनर है वो जरूर आप, इफ यू वॉन्ट टू ट्राई आई लाइनर डिफरेंट शेड्स में, तो ये बहुत अच्छे हैं. अगर आपको मेटेलिक अच्छा लगता है, अगर आपको यू नो थोड़ा सा शाइन है इसमें, बट इट्स नॉट दैट शाइन कि इट्स ऑन योर फेस, बहुत ही सटल है, नो स्पार्कल्स आर सीन कि स्पार्कली स्पार्कली हो, सो दैट इज वाई आई थिंक बहुत ही अच्छा है एक ये आई लाइनर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू गाइज, डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो अगर आपको भी अच्छे लगे हैं. दैट्स ऑल, बाय बाय.